हेलमेट तो ले लो, ये इन्हें हेलमेट पहनाते हैं। आपको मैं लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, आप बिना हेलमेट के निकले हुए हैं। आपको गाड़ी के पीछे संदेश देखा आपने क्या लिखा है? गाड़ी पीछे देखा आपने क्या लिखा है? यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं जाने के लिए। तो हेलमेट का प्रयोग है, और मैं उस वक्त भी आपको रोक चाह रू के क्यों नहीं आप सामने वेट कर रहा है इस वजह से। तो आप बिना हेलमेट निकल गए एक्सप्रेस वे पर? हाँ जी, मैं हेलमेट घर पे लिया था। आप लगाइए लगाइए, ये बहुत जरूरी है, लगाइए। क्या नाम है आपका? निखिल तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा के। अच्छा, जा कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, सिकोहाबाद। लेकिन इस एक्सप्रेस वे पता है ना बिना हेलमेट नहीं जाना है। आप लगाइए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपने कभी सोचा था कि कोई हेलमेट आपको एक्सप्रेस वे में दे सकता है? ये तो नहीं सोचा, बट ऐसे देते हैं। अच्छा, कैसा? चलिए, मेरा नाम वैसे राघवेंद्र कुमार है, लेकिन हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से वो चीज आप गूगल पे सर्च करिए बाद में। ओके, आप लगाइए लगाइए हेलमेट लगाइए, और इसको कभी भी बिना हेलमेट कभी भी नहीं चलना है, ठीक है? आपके बाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी तब लगती थी आपको मस्क पर हेलमेट रहता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे मौत का एक्सप्रेस वे है ये। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इधर लेके चलता हूँ। और ये बेल्ट भी बांध लीजिए, ठीक है? चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। और दूसरों को भी जरूर जागरूक करिएगा। तो हम निकल पड़े हैं, और बहुत अच्छा लगा, हंस ने हेल्प दिया था, और इसी ने खुद बताया था कि पापा एक बिना हेलमेट का जा रहा है व्यक्ति, और इस तरीके से हेलमेट दिए। तो राह चलते रहते हैं, और ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं सफर में, और कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जो रवैया होता है जो हेलमेट लगा के इस एक्सप्रेस पर, जो कि आए दिन अक्सर